अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम मटन मुगलई ड्राई बनाएंगे। देखिए नाम में ही मुगलई है तो हल्की सी एक्सपेंसिव बनेगी ये। तो मटन मुगलई ड्राई कैसे बनाते हैं देख लेंगे। सबसे पहले एक बाउल लीजिए, उसमें एक अंडा तोड़िए और अच्छे से फेंट लीजिए। देखिए फेटा है, इसे साइड में रख दूंगी। यहाँ पे और एक बाउल लिया है, उसके अंदर 2 चम्मच मैदा डालूंगी और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और उसे भी साइड में रखूंगी। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम गोश्त को नमक हल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के पका के लिया है। ये मिक्स वाला है, इसमें हड्डी भी है, नरम भी है और गोश्त का पानी भी है। अब इस गोश्त में का पानी इस आटे में डालूंगी, एक बार मिक्स करूंगी और वो फेटा हुआ अंडा डालूंगी और मिक्स कर लूंगी। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकौड़े का बैटर जैसे रेडी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर ये पकाया हुआ गोश्त डालूंगी। पानी हल्का सा कम ही डालना चाहिए बैटर बनाते वक्त, कि गोश्त में भी पानी था। थोड़ा रनी वाला बैटर बना है, कोई बात नहीं, हल्के से इसके ड्रॉप्स गिरेंगे। आप बनाते वक्त थोड़ा सा टाइट रखिए ताकि तेल में ज़्यादा ड्रॉप्स ना गिरे बैटर के। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसके अंदर तेल डाल के गरम करके लिया है। तेल गरम हो चुका है, अब इन्हें फ्राई कर लूँगी। जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं ना, सेम उसी तरह से हल्के से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्राई हो चुके हैं, इन्हें बाहर निकाल लूँगी और इस कढ़ाई में का तेल को भी बाहर निकाला है। सेम कढ़ाई मैंने गैस पे रखी है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून तेल डालूंगी और 1 बड़ा साइज के प्याज को इस तरह से लंबा लंबा चॉप करके लिया है। ये डाल के हल्की सी प्याज को नरम कर लूंगी। प्याज डालते वक्त हल्का सा मैश करते हुए डालिए ताकि हर एक लेयर्स खुले हुए और जल्दी से फ्राई हो जाए प्याज। प्याज हल्की सी नरम हो चुकी है, मैंने यहाँ पे मुट्ठी भर काजू लिए हैं उन्हें तोड़ के। आप चाहे तो टुकड़ा काजू भी डाल सकते हैं, इसे भी फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे आधी छोटी चम्मच जितना नमक डालूंगी, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, और एक बार मिक्स करूंगी इसे। अब थोड़े से सूखे वाले मसाले डालेंगे इसके अंदर। 2 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर डालूंगी, 1 छोटी चम्मच जीरे का पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच मिर्ची डाल दूंगी। यहाँ पे तीखी वाली मिर्ची ली हूँ मैं, हल्का सा फ्राई कर लूंगी। अब इसके अंदर 2 बैगड़ी वाली मिर्ची को तोड़ कर डालिए और 1 गुंटुर वाली मिर्ची तीखी वाली, थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, तकरीबन 1 छोटी चम्मच जितनी। यहाँ पे मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है, ये डालूंगी इसके अंदर। मुगलई है तो मुगलई जैसे सब कुछ डालना ही चाहिए ना, वही डाल रही हूँ। क्रीम मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जितना डाली हूँ, आप देख के डालिए क्रीम। तो इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। अब इसके अंदर फ्राई किया हुआ मटन डालूंगी और अच्छे से टॉस कर लेंगे, पूरा मसाला लगना चाहिए। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्ची का पाउडर लिया है। आपके पास व्हाइट पेपर है तो वो डालिए, मेरे पास नहीं है तो मैं ब्लैक पेपर ही डाली हूँ। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है और थोड़ा सा नमक डालूंगी इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने फाइनली इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच जितना काजू का पाउडर डाल दूंगी। थोड़े से काजू लेके उसे पाउडर कर लीजिए डाल के, और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा टेम्पटिंग सा मटन मुगलई ड्राई रेडी है। आप इसे रोटी, चपाती, नान के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे ही खाइए, ऊपर से और थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। आप इस तरह से मटन मुगलई ड्राई जरूर बनाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।